हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। दोस्तों, इन दिनों ना थोड़ा मामला अस्त व्यस्त हो रखा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था शूट करने का। होम स्टे पे भी बहुत सारे गेस्ट आ रखे हैं, तो उनकी सर्विस पे ही सारा समय निकल जा रहा था। सो बहुत टाइम के बाद आज शाम के समय में आपके लिए भी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ। तो खूबसूरत पहाड़ों के साथ शुरू करते हैं अपनी एक छोटी तो खूबसूरत पहाड़ों के साथ शुरू करते हैं अपनी ये छोटी सी वीडियो। अभी समय हो रहा है शाम के करीब 6 बजे का और सनसेट होने ही वाला है, और इससे पहले हल्की सी बारिश भी आज देखने को मिली पहाड़ों पे। तो एक बार खूबसूरत सा मौसम दिखाता हूँ मैं शाम का, जो इस समय पहाड़ों पे बना हुआ है। फ्रेंड, कुछ ऐसा मौसम हो रखा है आजकल मुक्तेश्वर घाटी पे, और अभी है शाम का समय, सनसेट भी होने ही वाला है। टेम्परेचर की बात करूँ तो टेम्परेचर अभी करीब 22 डिग्री के आसपास में है, और खूबसूरत सा मौसम। इससे पहले हल्की सी बारिश की बूंदें भी गिरी हैं मुक्तेश्वर घाटी पे, और शाम का ये खूबसूरत सा मौसम ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप लोग तो शहरों में बैठ के पंखा और एसी की हवा खा रहे होंगे, लेकिन हम अपने पहाड़ों पे हैं तो नेचुरली अभी एसी महसूस हो रही है। उतनी गर्मी का एहसास तो नहीं है, बस धीरे धीरे हमारी स्वेटरें और जैकेटें उतरने लगी हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा पहाड़ों का ये खूबसूरत सा मौसम शाम के समय का? और बैकग्राउंड में नॉइस आ रही होगी, चिड़ियाएँ चहचहाहट कर रही हैं। यहाँ पे जंगल है ना, पता नहीं कौन से पेड़ पे बैठी हुई है, शोर कर रही है। तो आज की वीडियो का मोटिव ये है ना, अगर आप इस समय गर्मियों के सीज़न में पहाड़ों पर घूमना चाह रहे हैं तो इस समय सबसे बढ़िया टाइम है मुक्तेश्वर विजिट करने का, क्योंकि मौसम काफ़ी सुहावना सदाबहार मौसम इस समय पहाड़ों पर बना हुआ है। शाम तो हल्की हल्की ठंड हो रही है, दिन में अच्छी खासी धूप लगी रहती है। अब धीरे धीरे हम लोगों की जो जैकेटें हैं, स्वेटरें हैं, वो भी उतरने लगी हैं। शाम सुबह के समय में तो फिर भी जैकेट और स्वेटर पहननी पड़ती है, क्योंकि थोड़ा बहुत ठंड महसूस होती है। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि इस समय आप अगर पहाड़ों में घूमना चाह रहे हैं, क्योंकि शहरों में धीरे धीरे गर्मी बढ़ते रह रही है, और आपके शहर से वीडियो देख रहे हैं, आपके शहर में मौसम क्या है, कैसे मिजाज है मौसम के, कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो हमारा भी हिल स्टेशन है मुक्तेश्वर घाटी, मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल, जिसको आप बखूबी जानते हैं और बहुत बार यहाँ पर घूमने आए भी होंगे, और समय समय पर हर मौसम में आप लोगों ने यहाँ पर विजिट किया होगा। तो इसीलिए आप लोगों को बता रहा था कि इस समय सबसे बढ़िया टाइम है मुक्तेश्वर विजिट करने का, गर्मियों का सीज़न है और काफ़ी मस्त मौसम यहाँ पे, काफ़ी बढ़िया ठंडी हवा इस समय पहाड़ों पे चलती हैं, और काफ़ी रिलैक्स आप लोगों को फील होगा। जो लोग इस गर्मी सीज़न में मुक्तेश्वर विजिट करने का प्लान बना रहे हैं, यहाँ पर घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो उन्हीं के लिए मेरी ये वीडियो है, क्योंकि मौसम अपडेट मैं आपको कर रहा हूँ, वेदर अपडेट कर रहा हूँ। इस समय ना अलग सा माहौल यहाँ पर बना हुआ है, अलग सी हरियाली छाई हुई है, चाहे फ्रूट्स के पेड़ ले लो या फिर जो जंगलों में पेड़ हैं, तो अलग बढ़िया सा रंग रूप देखने को मिल रहा है। और अगले एक आध महीने के बाद हमारे एरिया में भी फ्रूट शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी खूबसूरत सुहावना मौसम इस समय मुक्तेश्वर में बना हुआ है। बढ़िया से खेती हो रही है, आलू की खेती हो रही है, मटर की खेती हो रही है। अगर आप लोगों को भी गाँव को एक्सप्लोर करना है, पहाड़ों के जीवन को एक्सप्लोर करना है, तो ये टाइम सबसे बेस्ट है यहाँ आकर घूमने का, और यहाँ का जो नेचर है, यहाँ का जो कल्चर है, उसे अनुभव करने का। तो ये छोटी सी वीडियो थी दोस्तों आप लोगों के लिए, यही अपडेट देने के लिए कि इस समय पहाड़ों में सबसे बढ़िया मौसम हो रखा है, ख़ासतौर पे हमारे मुक्तेश्वर क्षेत्र में एक अलग सा सुकून आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वीडियो भी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग घूमने तो आते ही हैं यहाँ पर, तो आप लोग मेरी वीडियो के थ्रू भी थोड़ा अपडेट हो जाएँ कि इस समय कैसा मौसम बना हुआ है पहाड़ों पर, हमने क्या करना है, कितनी सर्दी हो रही है, कितनी गर्मी हो रही है, और किस तरह के हमने कपड़े लेके चलने हैं ताकि यहाँ जो मौसम है उसके अनुकूल हम ढल सकें। तो आजकल तो बढ़िया मौसम हो रखा है, मैं खुद ही बता रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोगों की स्वेटरें और जैकेटें उतरने लगी हैं। सुबह शाम में हल्का सा ठंडा महसूस होता है, लेकिन उतना भी ठंडा नहीं है, बस धीरे धीरे गर्मियों का मौसम शुरू हो चुका है और सदाबहार मौसम शुरू हो चुका है पहाड़ों पर। और दोस्तों, आप लोग कमेंट करिएगा, इस बीच आप मुक्तेश्वर घूमने आ चुके हैं या आने का प्लान कर रहे हैं, अगर आ चुके हैं तो आपने कैसा यहाँ पर अनुभव किया, कमेंट में ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये छोटा सा अपडेट था आप लोगों के लिए यहाँ के मौसम के बारे में, मुक्तेश्वर वेदर के बारे में, कैसा माहौल आजकल बना हुआ है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये अपडेट, ये वीडियो कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इस अपडेट के साथ ही मैं अपने इस छोटे से ब्लॉग को एंड करता हूँ, और शाम का एक बार खूबसूरत सा मौसम आप लोगों के लिए और शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं गाइस जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, ख्याल रखिएगा।